हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। मैं टाइटैनिक फिल्म की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि असली टाइटैनिक जहाज के बारे में बात कर रही हूं, जिस पर फिल्म बनी थी। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 109 साल पूरे हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां गुप्त अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी है कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकाल कर बाहर लाना लगभग नामुमकिन ही है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज 180 किलोग्राम मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।